दिया। वहाँ से फिर मैं थाने गया तो उन्होंने कहा कि उसको क्यों मारा है। मैं कहा मैंने उसको मारना था और मैंने भी मर जाना था, तो मेरी चली नहीं मेरी बर्तबा पिस्टल। तो उन्होंने कहा कि ये तुमने मजाक में, एक मजाक में उन्होंने, एक पुलिस वाले ने कहा कि अगर तुमने मरना है ये लो ये पिस्टल मैं तुम्हें देता हूँ चेक करने के लिए। उसने कहा कि देखता हूँ कि इसका जेहन पुख्ता है या वैसे ये कह रहा है। तो उसने कहा कि ये लो मैं तुम्हें देता हूँ, तुम अपने आप को मार लो। तो मैंने पिस्टल पकड़ने लग गया। तो उसने देखा ये तो वाकई पिस्टल पकड़ रहा, उसने मुझे फिर थप्पड़ मारा, पीछे फेंक दिया। उसने कहा तुम तो मरने की कोशिश कर रहे हो, हमारे ऊपर पड़ना तुमने। तो उस दौरान फिर हवालात में जब मैं थाने में बंद था तो मैं इसी तरह परेशान कि मेरा दोस्त मर गया तो मैं क्या करूँगा, मैंने फिर वो थाने की दीवारों से टकरे मारनी शुरू कर दी। ज़ोर से पीछे से भाग के आता और दीवार में कोना बना हुआ था उसमें टक्कर मार दी कि मेरा सर लगेगा मैं मर जाऊँगा। लेकिन वो सर लगा, मैं उसके बाद नीचे गिर के बेहोश हो गया। वो थाने वालों ने मेरा हॉस्पिटल ले गए मुझे, वो मैं दोबारा मुझे होश आ गया, फिर मैं आ गया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना अपने आप को मारने की कोशिश कर रहा है तो इसका ना पूरा ख्याल रखना है। तो उन्होंने मैंने कहा जी मैंने वॉशरूम जाना है, तो उन्होंने कहा जाओ आप वॉशरूम, चलो चले जाओ। तो वो उसमें मैं गया तो उसका लोहे का दरवाज़ा था, उसमें मैंने देखा कि उसकी पत्रियाँ जंग लगा हुआ था, वो कटने वाली थी। ब्लेड वगैरह उस वक्त था नहीं मेरे पास, तो एक तरीका मैंने सोचा, मैं कहा अगर मैं अपनी कोई शरियान काट दूंगा या अपनी कोई ये यहाँ से नस काट दूंगा तो उसमें खून बहता रहेगा, जब ज़्यादा खून बहेगा तो मेरी मौत वाकई हो जाएगी। उसमें फिर मैंने वहाँ से वो दरवाजे को तोड़ा, तोड़ के पतरा लिया तो ये यहाँ से अपनी शरियान काटी, फिर इधर से काटी, तो ये फिर ये तीन जगह से मैंने काट दी अपनी शरियान। तो वो उस वक्त संतरी जो मेरा ध्यान रखता था उसने एकदम देखा कि मेरी बाजू के यहाँ पे खून बह रहा था नीचे, तो उसकी नज़र पड़ी, फ़ौरन उसने शोर डाल दिया। उसने कहा कि ये इस बंदे ने तो अपनी वो रगें काट ली हैं। तो वो फिर सारे आ गए, उन्होंने फ़ौरन आए मुझे गाड़ी में डाला, फ़ौरन हॉस्पिटल में ले गए। तो उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने जल्दी से इसको पट्टियाँ पुट्टियाँ लगा दी और फिर मतलब कि मेरी मौत वाकई नहीं, फिर मैं बच गया। फिर मैंने जेहन बनाया चलो अब ये है कि यहाँ तो बच गया हूँ, मैं अब जेल में जा रहा हूँ, तो जेल में जा कर ना मैं वहाँ पे किसी पंखे के साथ लटक जाऊँगा या कहीं से छलांग लगा दूंगा या कोई और काम करके मैं मर जाऊँगा। तो जब जेल में पहुँचे तो वहाँ पर जाते ही मैं ऐसी मजनू वाली और जो अपना अजीब सी आशिक अपने अपने जोम में कि मैं बहुत बड़ा आशिक हूँ और बहुत बड़ा दीवाना हूँ, तो बाल बखेरे हुए और मुंह चार चार दिन मुंह नहीं धोना, और जो मारा था लोगों ने उसके निशान इस तरह करके सारे यहाँ पे पड़े हुए, मुंह सूजा हुआ, आँखें सूजी हुई, तो इस सूरत हाल में कपड़े फटे हुए। तो वो मैंने इसी तरह 4-5 दिन इसी तरह मैं गुजार देता था। तो उसमें फिर मैं जब गया तो मैंने देखा, मैं कि यहाँ पे तो मतलब के बड़ी सख्ती है, तो मैं कैसे मतलब के अपने यहाँ पे जो मैंने काम करना है कि अपने आप को मारना है मैंने, तो उसका तो मैं अरेंज यहाँ पे कर नहीं सकता क्योंकि एक कमरे में वहाँ पे 6-7 लोग और भी होते थे जो एक चक्की में जिसमें बंद करते थे सेल में। तो उसमें मैं कि ये लोग तो 24 घंटे मेरे साथ होते हैं, ये तो कुछ करने नहीं देंगे मुझे। तो वहाँ पे फिर मैंने उन सबको, मैंने यही जिससे जो मिले मैं उसको यही कहूँ कि मैंने बस मर जाना है, मैंने नहीं रहना जिंदा, मैंने मेरा दोस्त मर गया, मेरा उसके बाद कोई नहीं है दुनिया में, तो मैं मर जाना है बस, मैंने तो मुझे अगर तुम मार सकते हो तुम मार दो, नहीं तो मुझे कोई तरीका बताओ मैंने मरना है। तो वो कहते थे कि तुम पागल हो, कहाँ से आए हो, तो तुमने हमारे पल्ले पड़ना है कि अगर तुम मरे तो हमारे ऊपर भी केस बनेगा कि ये कैसे मरा बंदा, हमें मुसीबत में क्यों डालते हो। उन्होंने जेल वालों को भी शिकायत लगाई कि ये बंदा बार बार मरने की बातें करता है कि मैंने मर जाना है। तो उसमें फिर इस तरह हुआ कि एक मरतबा सेल के लोग काफ़ी जो है ना वो गए हुए थे सारे, तो एक वहाँ पे बैठा था उसको मैंने अपनी कहानी सुनाता रहता था, और तो उसने मुझे चेक करने के लिए, वैसे इसने कहा ऐसे ही बस ये बातें करता रहता है, इसने कौन सा कर लेना है, ऐसे ही बस जानबूझ के करता है, कहता तूने उसको मार दिया अब तूने कहा मरना है। तो उसने कहा कि चल मरना है ना तूने, तू मर, ये ले ये नाला नाला इसमें डाल पंखे में, तू मर जा मैं बाहर चला जाता हूँ। तो वो ये कह के वो बाहर को चला गया। तो उसने कहा कि ऐसे बातें करता रहता है मुझे, इसने कौन सा कर लेना है। तो वो जब बाहर गया तो मैंने उसके कमरे का कुंडी लगा के वो जो हवालात बंद करके, तो मैंने वो नाला पकड़ा, उसको मैंने नीचे एक बाल्टी रख के, स्टूल टाइप थी एक, उसको रख के मैंने नाला बांधा उसके साथ पंखे के साथ, और उसका फिर वो
झूला सा बनाया जिस तरह फांसी के लिए होता है, और वो पकड़ के मैं जब बाल्टी के ऊपर चढ़ा तो मैंने अभी इसको ऐसे करके हाथ डाला था कि वो लड़के ने अकेला नहीं था साथ में, उसने पूरी बारक को भी इकट्ठा कर लिया हुआ था और सारे लोग इकट्ठे हो गए। उसने ऐसे फ़ौरन खोला, उसने कहा ये देखो ये क्या कर रहा है। साथ में नीचे जो वार्ड उस बारक का इंचार्ज होता है पुलिस वाला, वो भी उसको भी बुला लिया उसने। एक शोर मच गया कि ये बंदा खुदकुशी करने लगा था। तो उस तरह उसने फ़ौरन आके मुझे वहाँ से उतारा मारते हुए, फिर मुझे ले गए चक्कर में। वहाँ जाके उन्होंने मुझे 40 चक्की एक होती है कसूरी पैरा कि जिसमें जो कोई जेल में लड़ाई झगड़ा करे या कोई मोबाइल वगैरह किसी से पकड़ा जाए, चर्स मंशात वगैरह पकड़ी जाए या कोई और खुदकशी की कोशिश करे तो उसको वहाँ पे बंद कर देते हैं। तो वहाँ पे मुझे अलहदा उन्होंने अकेले बिल्कुल कैद तन्हाई में बंद कर दिया। तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कहा कि अब आपने ना जब आप जब तक सही नहीं होते आपने इधर रहना है। तो उस दौरान उन्होंने मेरी शलवार में से अजार बंद जो है वो निकाल दिया कि ये अजार बंद का फिर दोबारा इस्तेमाल करेगा खुदकशी के लिए। तो उन्होंने कहा कि शलवार को तुम ऐसे ही पहनो बस। तो वो उसको मैंने गिरा लगा के बांध ली। और उस तरह फिर मुझे उन्होंने उसके अलावा भी हर चीज़ कोशिश की उन्होंने कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे खुदकशी का इंतज़ाम हो सके। तो उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने मेरे हाथ जो हैं वो दोनों हथकड़ियों से ऐसे बांध के, तो पीछे जेल की सलाखों के साथ उन्होंने मेरी बांध दिया। उन्होंने कहा कि इधर तुमने लेटे रहना, इधर ही बैठना है जानवरों की तरह। उन्होंने कहा कि तुमने अब बड़े ख़तरनाक हो तो तुम्हारा डर है कि तुम मार ना लो अपने आप को, तुमने यहाँ पे रहना है बस। फिर डॉक्टर आते थे, नफ्सियाती डॉक्टर आते थे, जेल का सुपरिटेंडेंट आता था, वो सारे मुझे चेक करते थे बार बार आके और मेरे से पूछते थे कि तुम्हें क्या परेशानी है, क्यों क्या करना चाहते हो तुम, इस तरह क्यों करते हो, जब मरना था तो उसके साथ ही मर जाते, अगर नहीं मरे तो अब जेल में नहीं मरना तुमने, तो तुम जिंदा रहो, तुम ये है वो, इस तरह की बातें उन्होंने करनी। मैं सुन के उनके सामने जी जी कर देना, बाद में मैंने यही जेन बनाना कि ये तो सब पागल हैं, मैंने तो जो करना है वो मैंने करना ही है। वहाँ पे फिर तकरीबन 2 महीने उन्होंने मुझे कैद तन्हाई में रखा। तो फिर एक दिन वो आया सुपरिटेंडेंट जो जेल का सयाद, उसको मैंने कहा कि सर मैं अब नहीं करता, आपकी मेहरबानी, मुझे सर्दी बहुत है, मैं इस तरह मेरे हाथ यहाँ बंधे रहते हैं सलाखों में, तो रात को जब बाहर से हवा आती है मेरे हाथ जो है ना बर्फ़ की तरह ठंडे हो जाते हैं, उसके अलावा भी मैं नींद नहीं आ रही मुझे, मैं और परेशान हो रहा हूँ। तो उसने फिर हमदर्दी करते हुए उसने कहा चलो ठीक है तुम ना इसको आज़ाद कर दो। तो वो फिर दोबारा मुझे बैरकों में मेरी उन्होंने आमद गिनती मेरी बैरकों में डाल दी। तो बैरक में भी इस तरह फिर वो लोग बैठे हुए थे दोस्त इकट्ठे जो जेल के थे, तो फिर उन्होंने मुझे इसी तरह आजमाना शुरू कर दिया और तुम वाकई मरना चाहते हो, तुम ऐसी बातें करते हो, तुम कोई नहीं मरोगे, मर सकते हो तो ये यहाँ से ऊपर एक बिल्डिंग थी लगे एक मंजिला इमारत पे, तो उसके ऊपर वाले फ्लोर पे थी मेरी जो सेल था चक्की थी, तो वहाँ बैठे हुए थे, कहते अगर इतना है तो यहाँ से छलांग लगाओ, गर्दन के बाद छलांग लगाओ अभी तुम मर जाओगे। तो मैं कहा अच्छा तुम ये कहते हो, मैं अभी करके दिखाता हूँ तुम्हें। मैंने फिर वहाँ से जब छलांग लगाने लगा फिर एक लड़के ने मेरा हाथ वहाँ से पकड़ लिया, तो फिर उन्होंने मुझे उसके पेश कर दिया पुलिस वाले के कि ये देखो ये फिर दोबारा मरने लगा था। तो मैंने फिर ये सोचा मैं कहा इस तरह तो वाजे तौर पे मरना तो ये मरने नहीं दे रहे ये पुलिस वाले ये जेल वाले और ये लोग नहीं, तो मैं इस तरह करता हूँ कोई ऐसी तरकीब बनाता हूँ कि जिससे मैं आहिस्ता आहिस्ता अंदर से घुल घुल के मर भी जाऊँ और किसी को ना पता भी ना चले। तो फिर मैंने जो अपना खाने का जो है खाना छोड़ दिया और उसके बाद वहाँ पे सिगरेट मिलते थे सिगरेट शुरू किए, फिर नस्वार वाले को देखा नस्वार शुरू कर दी, फिर वो गुटखे खाते थे वहाँ पे लोग तो गुटखा खाना शुरू कर दिया, तो लोग एक एक नशा करते थे मैंने सारे शुरू कर दिए क्योंकि मैं क्या मैंने मरना है तो मैं नशों से चलो ज़्यादा सारे नशे करता हूँ तो एक महीना करूँगा क्या है कि उसके बाद मर जाऊँगा। तो गुटखा भी खाना साथ साथ में नस्वार भी खानी साथ में सिगरेट भी पीनी, फिर वो भर के सिगरेट पक्के सिगरेट वो चर्स वाले बनाते थे वो मैंने पीने शुरू कर दिए, एक दिन में दो दो तीन तीन पी जाने। फिर सेल में एक गोलियां पड़ी थी तो वो उस लड़के ने कहा कि ये जो है ना इन ये गोलियां खाने वाली दूसरी है लेकिन जो इसमें छोटी छोटी बोरियों में है वो मैं सुन रहा था दो बंदे आपस में बातें कर रहे थे कि ये जो है ना ये बड़ी जहरीली ये गोलियां होती हैं और इससे बंदे की मौत वाकई हो जाती है, तो ये तो ऐसे बस पानी को खुश करने के लिए होती हैं लेकिन इनको ये खाने वाली नहीं होती इससे बंदा मर जाता है।
तो मैंने वो फ़ौरन उठाई, उठा के वो मैंने ना वो दो जो छोटी छोटी बोरियां बसी बनी हुई थी वो मैंने उठा के दोनों खा ली। मैं कहा चलो ये खाऊंगा मर जाऊंगा, लेकिन वो खाई उससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर डॉक्टर के पास एक बार हॉस्पिटल में गए, कोई मसला था तो वो बात कर रहा, उसने मुझे एलर्जी थी, एलर्जी की उसने मुझे गोली दी। तो उसने कहा कि बेटा ये 24 घंटे में आपने एक खानी है, अगर आपने 24 घंटे में एक से ज़्यादा खा ली तो आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आपके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाएगी और आप मर सकते हो। तो मैंने जब उसकी बात सुनी तो मैं तो दिल दिल में खुश हो गया, अभी ठीक है, मुझे तो मरने का नुस्खा मिल गया। तो उसने मुझे वो 3-4 गोलियाँ दी, तो मैंने वो तीनों की चारों इकट्ठी खा ली। मैं कहा चलो ये खाता हूँ तो इससे मैं मर जाऊँगा। उससे मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, मेरा BP हाई हो गया और मेरे जिस्म में धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ चलने लग गई और थोड़ी सी तबीयत में जो है इज़्तिराब हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वही उसी तरह मेरी तबीयत दोबारा संभल गई। तो फिर वो मेरे घर वाले जो मुलाकात पे आते थे उनको जेल वालों ने बताया कि ये आपका बच्चा, इसने ना 2-3 मरतबा ख़ुदकशी की कोशिश की है, तो आपकी मेहरबानी इसको समझाएं, इसने अब यहाँ पे रहना है, जब तक इसका वो कत्ल का केस नहीं हल हो जाता तो इसने यहाँ पे रहना है। तो वो मेरी वालदा आई, उन्होंने रो के मेरे आगे हाथ जोड़े, मेरे अब्बू आए और उन्होंने कहा कि बेटा देखो, पहले तुमने हम जैसे गरीब और शरीफ आदमियों को, जिसने आज तक कभी थाने का मुंह देखा ही नहीं, ख़ानदान में भी कभी कोई जेल में नहीं गया, तो तुमने हमें जेलें भी दिखा दी, तुमने हमें ये बूढ़ी उम्र में हमें ये थानों के भी चक्कर लगवा दिए और हमें तरह तरह रुलाया, हमारी बेइज्जती भी की तुमने, हमारा कहना भी नहीं माना, और अब यहाँ पे आके फिर तुम अपनी जान के दुश्मन बने हुए हो। तो ये अब तुम अपनी हालत पे रहम करो, अब तुम ना बस कर दो, जो हो गया सो हो गया, अब अपनी ज़िंदगी को तब्दील करो, चेंज करो। तो उन्होंने फिर पता नहीं किस तरह तरकीब बनाई, उन्होंने कहा कि तुम्हारे छोटे भाई ने ख्वाब देखा है, उसने कहा कि उसको मेरा पैगाम देना, मुझे बड़ी यहाँ पे सख्ती में हूँ मैं, तो उसको कहो कि तुम इस ये वाली मौत ना मरना, तुम जो है जो तबई मौत तुम्हें आएगी उसी पे मरना। तो ये पता नहीं सच्चा था कि नहीं सच्चा, बहरहाल ये ख्वाब बताया अम्मी ने कि भाई ने तुम्हारे ख्वाब देखा है। तो उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो हमें ये लगता है कि तुम हमारी बात नहीं मानोगे, लेकिन ये सच्ची बात है कि इस तरह ख्वाब आया। और ये तो उस पर फिर मेरा थोड़ा सा दिल इत्मीनान हुआ, मैं कहा चलो ठीक है, अब जब मरना होगा तो फिर अब मैं 3-4 मरतबा 5 मरतबा कोशिश कर चुका हूँ मरने की, अब नहीं मरा तो अब इसमें मेरा हक, तो सब ने जेन बनाने वालों ने बनाया कि अब तुम अपनी जान को छोड़ो, अब तुमने जब अल्लाह ने तुम्हें बचाया हुआ है तुम कैसे मर सकते हो। तो उस तरह फिर मैं कहा चलो ठीक है, अब मैंने अपने गम को निकालने का एक तरीका सोचा। पहले मैं जब छोटा था तो मेरे वालिद साहब मुझे नाते सिखाते थे, उन्होंने बचपन से ही मतलब खुद भी इमाम मस्जिद थे, नात पढ़नी सिखाई मुझे भी, मेरे दूसरे बहन भाइयों को भी। तो मैं नात जब छोटा होता था नात पढ़ता था, जब मैट्रिक में हुआ इंटर में गया तो मैंने नात पढ़नी भी छोड़ दी, क्योंकि उस वक्त पैंट शर्ट पहनी होती थी, दाढ़ी कटवाई होती थी और हर वक्त हालत गंदी होती थी, इसलिए नात मैं कहता था नात नहीं मैंने पढ़नी। तो उस वक्त फिर मेरी आवाज़ तो थी, तो मैंने कहा चलो मैं गम अपना निकालना है, तो मुझे गाने याद थे, मैंने फिर गाने जो है वो गुनगुनाने शुरू कर दिए। जब 1-2 मरतबा मैंने गाना गाया तो मेरे वो जो जेल के साथी थे उन्होंने सुना, तो वो भी चूंकि दुनियादार से लोग थे उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि यार तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, तो उन्होंने मुझे ना फरमाइश करने के ये वाला गाना सुनाओ ये वाला गाना सुनाओ। तो मैंने उनको फिर उस टाइम सिगरेट का वो चरस का सिगरेट बना के देते थे वो लगा के, तो फुल जब नशे में हो जाना उस वक्त मैंने वो नशे में उनको गाने इस तरह करके सुनाने। तो वो चलते चलते उन्होंने मुझे फिर जगह जगह वो बुकिंग के लिए जो जेल के अंदर ही वो फलां जगह से आ गए फलां से कि भाई आप इधर आओ हमारे कमरे में जो हमारा सेल है उसमें आके ना हमें गाने सुनाओ, तो उधर जाना, उन्होंने फिर कोई चीज़ें खिला देनी, फिर वो इसी तरह जब पेशी के लिए गाड़ी में बैठ के जाना तो गाड़ी के अंदर गाने गाते जाना और सबने बैठ के आराम से सुनना और बाद में कहना वाह जी वाह क्या बात है, क्या आवाज़ है या क्या दर्द है। तो इसी तरह फिर मैं बख्शी खाने में जाके जहाँ पे पेशी के लिए मुलजम इकट्ठे हुए होते हैं वहाँ बैठना, वहाँ पे भी मजमा लगा लेना, सब ने मेरे गिर्द के चलो भी ये हाफज आ गया इससे गाने सुनते हैं, तो चलो भी हाफज गाना सुन ये वाला गाना सुनाओ ये गाना सुनाओ। तो वहाँ फिर इसी तरह दुखी होके तो अपना एक्टिंग करके तो रोते हुए उनको मैं गाने सुनाने,
तो उन्होंने उस पर दाद देने के बाद ही वाह क्या बात है, वो मैं काफी मेरी मशहूरी होगी जेल में ना। देखा आपने कैसी हालत वाला फर्द था और इसमें कैसी तब्दीली आई, दावत इस्लामी इसमें ये तब्दीली कैसे लाई, आज हम आपको इस सिलसिले के अंदर ये बात बयान करते हैं। उस दौरान फिर मैंने अपना खाना इतना कम किया, मतलब कि जानबूझ के फाके करना, और नशे इतने ज़्यादा कर दिए कि आखिरकार मैं कमज़ोरी होती 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 ना, एक दिन मैं बहुत ज़्यादा चक्कर आए और मैं चकरा कर गिर गया, उससे मेरे नाक पे और ये सर पे चोट आई। तो उस दिन बस इस तरह मैंने सोचा मैं कि यार मैं इतनी हद तक मतलब चला गया हूँ कि मेरी हालत अब ये हो गई है। तो पता नहीं वो क्या उस वक्त हुआ कि मैं फिर रात को जब सोया तो उसमें क्या ख्वाबों पे मुझे वैसे ही बड़ा यकीन था, तो ख्वाब मैंने देखा कि एक रेलगाड़ी में बैठा हुआ हूँ, तो उस ट्रेन के ना एक मैं ट्रेन के अंदर ही चलता हूँ, एक डब्बे में पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी बनी हुई है, ट्रेन के अंदर ही लाइब्रेरी बनी हुई है। तो उसमें एक सुन्नी आलिम जो कि जेल की लाइब्रेरी में लाइब्रेरियन भी थे, तो वो जो ट्रेन में लाइब्रेरी मैंने देखी तो उसमें भी वही सुन्नी आलिम जो मेरे अब्बू के दोस्त भी थे और जेल में लाइब्रेरियन थे वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा कहाँ आए हो, मैं कह मैं हदायत हासिल करना चाहता हूँ, मैं अपने आप को बदलना चाहता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को ना अब मैं थक गया हूँ इस ज़िंदगी से, अब मैं चाहता हूँ कि मैं सुधर जाऊँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये है कि अगर आप सुधरना चाहते हो ना तो आप ना फैज़ान सुन्नत पढ़ो। तो मेरे अब्बू तकरीबन हर पेशी पे उनके आगे हाथ जोड़ते थे और गिड़गिड़ाते भी थे, रोते भी थे, और एक बार तो मैंने अपनी आँखों से देखा कि मैंने अपने बाप को उनके पाँव में देखा कि मेरे अब्बू उनके पाँव पकड़ रहे थे कि मेरे बेटे को माफ़ कर दें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं हमने इसको माफ़ नहीं करना। इसी तरह फिर सवा दो साल का अरसा गुजरा, तो उस वक्त उनसे जाके उनके दिल थोड़े से नरम पड़े, उस दौरान क्योंकि तावीज़ात तारिया भी इस्तेमाल कर दिए थे, तो उस तावीज़ात तारिया की भी बरकत थी कि उनके दिलों में नरमी आई और उन्होंने कहा कि ठीक है हम इससे माफ़ करते हैं। तो इससे मामला इस तरह हुआ कि फिर उन्होंने कहा कि हम ना 8.5 लाख रुपया लेंगे, डिमांड उन्होंने 10.5 लाख की थी गालबन, लेकिन 8.5 लाख पे बात मुअय्यन हुई, तो वो वालिद साहब के लिए वो भी एक खतीर रकम थी। सारे ख़ानदान इकट्ठा हुआ, उन्होंने कहा कि हमें पैसे देते हैं लेकिन जो है ना लड़के को छुड़वाओ, सब ने पैसे इकट्ठे करके तो मुझे छुड़वाया। फिर उसके बाद जब मैं बाहर आया तो मैं आंखें किसी के सामने उठाने के लायक नहीं था कि मैं अपने बहन भाइयों का भी हक खाया, उसके अलावा सबको मुश्किल में भी डाला है, 2-3 साल से माँ बाप को जलील भी करवाया है, किस किस के पाँव भी पकड़वाए हैं, माँ बाप को आंखों में आंसू भी लाया हूँ, उनकी उन्होंने मुझे बात कही है, मैं उनका कहना भी नहीं माना, तो आज वो माँ बाप मुझे दोबारा मेरी एक नई ज़िंदगी दिलवा के वही माँ बाप मुझे ले आए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने ये भी देखा कि जेल खाना जात के अंदर हमारे इस्लामी भाई किस अंदाज से इनफरादी कोशिश करते, क्या उनका अंदाज हुआ करता हमारे इस्लामी भाई बग़ैर जुर्म के जेलों में जाते
और सुन्नतों की खिदमत की कोशिश करते, फैज़ान कुरान को आम करने की कोशिश करते, कभी इजाज़त नहीं भी होती तो मुलाकातों के लिए जाते, मुलज़मों के पास, मुजरिमों के पास, उन्हें समझाना, इनफरादी कोशिश करना, नेकी की दावत देना, बुराइयों से बचाना, रसाइल का देना, कुरान पढ़ने की तरगीब दिलाना, कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के हवाले से सोच बनाना, उनको अमली जज्बा देना, हत्ता के एक वो फ़र्द जो इस कैफियत में था, जो इस अंदाज से था कि अपने आप को मारने वाला था, कुछ भी नहीं समझ रहा था, गाने बाजे अजीब व गरीब ज़िंदगी गुजार रहा था, ये जेल के अंदर रहते रहते इतनी सलाहियत में आ गया कि ये वहाँ पर इमाम बन गया। आज से 2008 में 5-6 साल पहले मदनी माहौल में आया था, उसी वक्त से ये जहन बन गया था कि जब रसालों में पड़ा हकूकुल इबाद का मामला कि जिन लोगों को मैंने सड़क पर खड़े होकर मारा, जो वो गरीब आदमी जो बच्चों के पेट के लिए दिहाड़ी कमाने के लिए कंडक्टर बनते हैं या ड्राइवर बेचारे रोज़ का 200-300, 400-500 कमा के जाते हैं, उनके जो मेरी वजह से पैसे छीने गए या जो उनको ऐसे सड़क पर गिरा कर उनको ज़ख्मी कर दिया या उनका माथा फाड़ दिया या किसी को थप्पड़ मार दिया, किसी का गिरेबान पकड़ लिया, आखिर वो किसी के बेटे थे, किसी के भाई थे, किसी के वालिद थे, तो अल्लाह तबारक तआला से भी माफ़ी मांगी है। अगर उनमें से कोई भी सुन रहे हो मुझे, बसों वाले, वैगनों वाले, ट्रकों वाले, जिनको मेरी वजह से कोई इज़ा पहुंची, तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मदनी चैनल के तवस्सुत से आज ये मौका मिला है, तो आप मुझे माफ़ फरमा दें। अगर आप मुझे मौका मिले तो मैं आपके जो किराए जो मैं स्टूडेंट कह कर छोड़ता रहा, मैं वो अदा करने को तैयार हूँ कि वो अगर क़यामत के दिन देने पड़ गए तो मैं किस तरह से उसकी अपनी नेकियां, मेरे पास तो नेकियां भी नहीं है कि जो मैं दे दूँ। इसी तरह उनसे जो पैसे चलो दिए खून बहा, लेकिन उससे कता नज़र मैं फिर भी उनके पाँव पकड़ के माफ़ी मांगना चाहूँगा, उनके हाथ उनके जोड़ूँगा, रो रो के उनसे अर्ज़ करूँगा, अगर मौका दें तो मैं आपके पास हाजिर हो के, लेकिन खुदा के लिए मुझे वो माफ़ फरमा दें। दिल से माफ़ फरमाएंगे तो कल आखिरत में मेरा मामला आसान हो जाएगा, और जब मैं आपके लिए दुआ गो रहूँगा कि अल्लाह तबारक ताला आपकी भी मगफरत फरमाए, मेरी वजह से उस कॉलेज लाइफ में या उस लड़ाई झगड़ों में जानबूझकर ज़्यादती की मैंने, उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अल्लाह के लिए, उसके रसूल के लिए आप मुझे माफ़ फरमाएँ। अल्लाह तबारक ताला आपको मुआफ़ फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला मुआफ़ करने को पसंद फरमाता है। अब मैं दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अपनी भी इसलाह करूँ और दूसरों के लोगों की इसलाह की कोशिश भी करता हूँ, ये नेक लोगों के साथ हूँ। आपकी मेहरबानी, आपको खुदा रसूल का वास्ता कि मुझे मुआफ़ फरमा दें, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाएगा। देखा आपने ये सिलसिला, इस सिलसिले के अंदर वो तब्दीलियां भी हैं जो उमूमी तौर पर हमारे यहाँ तब्दीली आती है, मगर एक ऐसा शख्स जिसके बिल्कुल माजी अजीब व गरीब अंदाज से गुजर रहा था, अल्लाह ताला की रहमत से, दावत इस्लामी के बरकतों से, फैज़ान सुन्नत की नेमत से दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया और आज जिम्मेदार हो गया। अब ये देखना, जो मदनी चैनल का नाज़िर ये देखेगा, उसके दिल में उम्मीद है दावत इस्लामी की मोहब्बत पैदा होगी, दावत इस्लामी के करीब आएगा। तो हमारा मदनी बहारें लिखवाने का, मदनी बहारें रिकॉर्ड करवाने का, मदनी बहारें जमा कराने का मकसद ये नहीं कि हमारे इलाका, हमारा ज़ेली हलका, हमारा हलका आ जाए, बल्कि हमारा मकसद ये कि दावत इस्लामी की नेक नामी हो। तो अब जो मदनी बहार इस तरह की हो उसमें ऐसी दिलचस्पी होती है, आपको मज़ीद भी दिखाएँगे। एक ऐसा शख्स जो बिल्कुल, यानी आप यूँ समझिए कि गुंडा गर्दगी के उसके मामूलात, भत्ते लेना, अजीब व गरीब ज़िंदगी, लोगों का उससे बिल्कुल बेदार हो जाना, और दावत इस्लामी के मदनी माहौल में कैसे आए, कैसी तब्दीली आ गई, आइए आपको एक मदनी बहार दिखाते हैं। मुतवस्सित घराने में पैदा होने वाला बच्चा जो वक्त के साथ साथ गिर्दोनवा के माहौल का असर कबूल करता चला जा रहा था, बुरी सोबत की वजह से बुरे ख्यालात दिलो दिमाग की दुनिया पर राज करने लगे, अमली जिंदगी में भी अखलाक बिगड़ गए, अबे तबे से गुफ्तगू जबान पर जारी हो गई, इलाके में रोब बन गया, अल्लाह की मखलूक खौफ ज़दा हुई, भत्ता खोरी मिजाज बन गया, दूसरों पर खौफ हिरास की फजा कायम करना, जुल्म ज्यादती बढ़ती ही चली गयी, गुबार आलू दिल पर कोई वाज़ो नसीहतकार
कारगर साबित न होती एक बदमाश के नाम से शोहरत मिली। जियाउर रहमान अतारी मेरा नाम है और पाकिस्तान के शहर गुजरात से मेरा ताल्लुक है। रुकने कबीना की हसीयत से खुदामुल मसाजिद के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। कमोपेश मेरी 30 साल की उम्र के लगभग मुझे नमाज भी नहीं आती थी। असल में मेरा बचपन जो था कुछ ऐसे बुरे लोगों से सिलसिला बन गया था कि मुझे बचपन से अच्छा माहौल ना मिल सका। वो जो मेरे लोग दोस्त थे वो अच्छे नहीं थे। मुझे बचपन से ही असले का शौक़ था, कुछ दोस्त ऐसे मिल गए तो उनके साथ जाकर जदीद किस्म का असला रखना पास और उनके साथ जाकर लोगों को थ्रेड करना, उनसे पैसे वसूल करने और उन पर जुल्म करना, ये उन लोगों का काम था। लेकिन मैं भी उन लोगों का दोस्त था, ज़ाहिर है उनके साथ सारे मामलात होते रहे। आस्ता आस्ता उन लोगों के साथ मेरे रवाबत थे, फिर जैसे वो काम करते ऐसा मुझे भी साथ करने पड़ते। उन लोगों के साथ जाकर मैं भी भत्ता वसूल करता, बल्कि वसूल क्या करता, पैगाम भेजते, पैसे आ जाते थे, भत्ता आ जाता था। लोगों को मारना पीटना अपने इलाके में इस कदर दहशत हो गई थी कि लोग डरते थे। मुझे याद है कि एक दफ़ा एक चौक में हम चंद लोग थे, काफ़ी बंदों की हमने पकड़ पकड़ कर लाइन बनाई हुई थी, लाइन बनाई हुई थी, इसको भी जिसको भी पकड़ते लाइन में खड़े हो जाओ, किसी को पकड़ते लाइन में खड़े हो जाओ। उन बेचारों का कोई कसूर भी नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, उनको बस लाइन में पकड़ते खड़े करते और मारते जाते। कोई बंदा उनका मतलब कि छुड़ाने के लिए तैयार नहीं था कि मुझे भी ये मारेंगे। मेरा कुछ ऐसे लोगों से ताल्लुक था, आबाश नौजवान से मेरा मिलन जुलन था, हत्ता कि मैं लोगों से फ़ोन पर फ़ोन करके भत्ता वसूल किया करता था। मैं सुबह एक ऐसा हमाम था जहां मैं गुसल करता और वहां मेरा भत्ता अपना नाम लोग लिख कर अपने एक अपने लफाफे के पैड पर नाम लिख कर उसमें भत्ता डालकर मेरा उधर हमाम वालों के पास रख देते कि साहब आदर आए तो उनको बोलना कि ये आपके पैसे हैं जी, ये वसूल पा लें। हैरान कौन बात ये है, शेव कराता मैं और शेव लोग सीधी शेव कराते हैं, मैं उल्टी शेव कराता था। आजकल नौजवान बालों को ड्राई कराते हैं और ये पफ वगैरह बनाते हैं, मैं उस वक्त अपनी मूछों को ड्राई कराता था। इतनी इतनी बड़े मेरी मूछें थीं कि मैं उनको ड्राई करता और ऐसे वो खड़ाई खड़ी करता। होटल था वहाँ जाता, वहाँ होटल वाले को पता होता था कि ये सरकार आए हैं, उन्होंने ये पाए की जो मिखे होती हैं और ये स्पेशल पाए होते थे, वो प्याला बनाना और साथ तिली वाले नान देना, मैंने वो नाश्ता करना और ऐसे मूँछ पर हाथ डालना और अपने दफ्तर चले जाना। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, बहुत ही जुल्म करने वाला इंसान था मैं। एक दिन मुझे एक इस्लामी भाई ने नेकी की दावत में फैज़ान मदीना इजतमा की दावत दी। मैं दावत इस्लामी को और अपने पीर मुर्शद को खराज तहसीन पेश करता हूँ और वो लोग जो मेरे दोस्त थे वो मुझे कहते थे कि यार क्या सौ चूहा खाकर बिल्ली हज को चली गई है। आज भी मुझे याद है 6 मार्च और सन 1991 का दिन था, लाहौर मीनार पाकिस्तान के इजतिमा पर मुझे वो ले जाने में कामयाब हो गए। वो जब पीर साहब का बयान लगा, मैं भी बैठा हुआ था पंडाल में, बयान काले बिच्छू जो किताबचा पीर साहब ने लिखा है उस मौजू पर हो रहा था। मुझे पता नहीं चला, मुझे याद नहीं क्या हुआ उस वक्त मेरे साथ, मेरा कान पकड़ कर किसी ने ना ऐसे बयान की तरफ लगा दिया कि ये बयान सुनो यार, ये मौलाना हजरात क्या कह रहे हैं। वो जो मैं तवज्जो के साथ सुना ना, तो मेरे दिल ने और दिमाग ने ये फैसला किया कि ये जो बात कर रहे हैं मौलाना साहब, ये यार आपने तो सारी ज़िंदगी 2 दिन में दफ़ा दाढ़ी बनाई और मूँछों को ड्राई कराता रहा। उसी दिन भी मैं मूँछों को ड्राई कराई और दाढ़ी मंडाई और मंडा कर मैं इज्तिमा पर गया। लेकिन जब मैं वो बयान सुना ना, तो मेरे दिल पर एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि मैं उधर बैठे ही बैठे ना अहद कर लिया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं मंडाऊँगा और मूछें पस्त कराऊँगा। ये मैं
अहद कर लिया अपने दिल से, जिक्र हुआ, दुआ हुई, और दुआ ही के अंदर ही अंदर मेरे दिल की दुनिया बदल गई। और क्या देखता हूँ कि किसी शख्स ने, किसी चीज़ ने मेरे अंदर का ऑपरेशन कर दिया है। मैं क्या किया कि घर वालों को नहीं बताया तो मैं लाहौर चला गया, सुबह सुबह फिर वापस लाहौर चला गया। वहाँ लाइन लगी हुई थी, लोग मुलाकात कर रहे थे, देखा बहुत बड़ी लंबी लाइन है, ये तो मुलाकात बहुत मुश्किल हो सकती है। लाइन को देख कर मैं घबरा गया, मैं कहा ये बुज़ुर्गों से मुलाकात नहीं हो सकेगी। मैंने आस्ता आस्ता इधर उधर इधर उधर करते करते हज़रत साहब तक जब पहुंचने की कोशिश की तो वहां कराची के इस्लामी भाई बहुत बड़े प्यारे अंदाज से मुझे कहने लगे, भाई लाइन में हो जाओ, भाई ऐसे हो जाओ, भाई ऐसे कर ले। मैंने कहा यार हो जाते हैं लाइन में, कोई बात नहीं, मैं इधर ही खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा मैं, ये आगे क्या देखते हैं। तो उन्होंने एक बांस जो है ना, उनका जाल बुना हुआ था और ऊपर रस्सी लगाई हुई थी, बड़ा मजबूत काम किया हुआ था, उसके अंदर से गुजरना बहुत मुश्किल था। सामने हजरत साहब बैठे हुए हैं और वो लोगों को तरकीब बनी हुई है, एक एक आदमी मिल रहा है, सब उसके शफकत फरमा रहे हैं। मैं सामने खड़ा देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला कि मेरे अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई। मैं ऐसे दोनों बांसों को पकड़ कर, ऐसे जोर लगा कर, ऐसे रस्सी को मैंने तोड़ कर और बांस उखेड़ कर छलांग लगा कर पापा से जा कदमों में गिरा हूँ। मैं जब पापा के कदमों पर जा गिरा हूँ और मैंने ऐसे कदम पकड़ लिए, पकड़ कर वो कराची वाले जो नौजवान थे ना, वो पीछे से भागे हैं। मेरा हौलिया ही ऐसा था, मूछें थी, ये वो सिलसिला, तो उन्होंने मुझे इसे पीछे कॉलर से पकड़ कर उठा लिया ऐसे पीछे। जब उठाया ना तो मैंने ऐसे देखा ऐसे, तो बापा ने फरमाया अब ये पहुंच गया, अब छोड़ दो इसको, ये आ गया बस, ये अब कभी नहीं जाएगा। और रोता रहा हूँ, रोता रहा हूँ, हत्ता के पापा मेरे आंसू से भीग गए थे और पापा शफकत फरमा रहे हैं, मुसलसल शफकत फरमा रहे हैं, ऐसे थपकी दे रहे हैं। अब वो भी ख़त्म हो गया सिलसिला, मैं पीछे पीछे इधर उधर, तो ये निज़ाम सारा ख़त्म हो गया। इस्लामी भाइयों की मोहब्बत और शफकत और इनफरादी कोशिश के क्या कहने, जो भी कहूँ वो कम है कि इन्होंने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर जुमेरात को मेरे घर आ जाते और दिन में भी कभी कभी मुझे मुलाकात करते रहते, तोहफा वगैरह देते रहते। आस्ता आस्ता थोड़ी थोड़ी सी मेरी दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई, लोग मुझे कहने लगे ओ यार क्या हो गया आपको, ये क्या कर रहे हैं, ये किधर चले गए आप, नज़र नहीं आते। जो मेरी गैंग के लोग जवान नौजवान थे, उन मैं आपको यकीनन कहता हूँ कि एक आदमी अभी उसको फालज हो गया, वो बचा है और ये मैं बचा हूँ। ऐसी ख़तरनाक गैंग का मैं आदमी था, कमोपेश 8-10 नौजवानों का गैंग था, ये सब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। ये दावत इस्लामी की इनफरादी कोशिश की ही वजह से मेरे साथ इन्होंने बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार से इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे माहौल में लाए और आस्ता आस्ता मेरी दाढ़ी बढ़नी शुरू हो गई। मैं नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दी और अपनी नमाज को सही करना शुरू कर दिया। इनके साथ मेरे अच्छे तलक बन गए, ये मोहब्बत, इनकी प्यार और शफकत अल्हम्दुलिल्लाह दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर होती चली गई। फिर मदनी काफ़िले में मैंने सफ़र किया। मैं जब इज्तिमा से वापस आया तो मैं, ये मेरा सारा निज़ाम चेंज हो चुका था। जिन जिन लोगों की कुछ चीज़ें मेरे पास थीं उस वक़्त, मैं ख़ुद जाकर उनके घर पहुंचाई। उनके जब मैंने घर पहुंचाई, दरवाज़ा खटखटाकर घर पहुंचाई, ये भाई अपनी घड़ी ले लो, ये अपनी ये अंगूठी ले लो, ये अपने पैसे ले लो, ये, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, ये क्यों इस तरह का क्या मसला बना है, ये किसी और चक्कर में तो नहीं है, ये मुझे वापस कर रहे हैं सब कुछ। बल्कि उन्होंने क्या किया कि मुझ पर उल्टा केस कर दिया कि ये जी इन्होंने ये हमारी डकैती हुई थी तो उन्होंने ये सारा, मतलब कि इसने ये किया वो किया। तो अब मुझे पुलिस वालों ने पकड़ा तो उन्होंने कहा ये जो आपसे बरामदगी है, मैं कह हजूर ये बरामदी जो हुई है ना, ये मैंने खुद इनको कराई है और ये जो चीज़ें हैं मैंने खुद इनसे ली हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के माहौल में आकर पक्की तौबा किया और ये इनकी जो चीज़ें थी मैं इनको वापस लौटा रहा हूँ। ये मेरा ये अगर कसूर समझते हैं तो मैं फिर जो मैं काम करता हूँ इनको पता है, मुझे ये खुद बता देते थे, ये खुद मुझे बता देते थे और खुद मेरे घर आकर मुझे और मेरे जहाँ मैं बैठता था वहाँ आकर मुझे ये पैसे वगैरह देते थे। वो अगर ये समझते हैं कि मैं इनको वापस कर रहा हूँ तो ये मेरा कसूर है, मैं ऐसे ही करूँगा। फिर तो उस फिर वो SHO ने कहा कि ये बहुत मुझे खुशी हुई है आपसे मिलकर, कि ये इतने आप अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी सोच
कैसे बन गई आपको? मैं फिर उनको सारी ये बात सुनाई कि मैं इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मीनार पाकिस्तान में इज्तिमा पर गया और वहाँ मैंने ये बयान सुना और मैंने सच्ची तौबा की है और उसकी ही वजह से मैं सब ये लोगों को मतलब कि अपनी चीज़ें इनकी चीज़ें वापस कर रहा हूँ। तो शहर में मेरे इस माहौल में आने ही की वजह से एक बहुत बड़ा शोर मच गया कि यार ये जो फलां फलां बंदा था, ये जो इतने बड़ा जलाद किस्म का इंसान था, जो मेरे पास से कोई बंदा गुजर जाता था ऐसे घूम कर या ऐसे शोर के साथ मैं उसको खड़ा कर लेता, उसके गले में मैं उंगली डाल कर उसके जो खाना उसने सुबह खाया होता था उसको मैं उंडेल लेता था। मैं कहता यार आज तुमने क्या नाश्ता किया जो इतनी आप बदमाशी दिखा रहे हैं? इतना मेरे से लोग डरते थे, बहुत खौफ ज़दा होते थे और मैं शर्मिंदा हूँ इस बात पर कि मैं क्या आपको बताऊँ कि लोगों के मेरे इस माहौल में आने की बेहद खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि यार ये बंदा ठीक हो गया, हमारी ये जान छूट गई है, हमारे इतना मतलब कि ये हमारे पास से ये तरकीब ये बनाता था ये बंदा, अब ये बहुत अच्छा हुआ, लोग बहुत खुश हुए हैं। आज वो मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, बड़े वसूख से बात कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझे देखकर अपने दरवाज़े बंद कर लिए करते थे और वो इस इंतज़ार में रहते थे कि अभी वो वापस आएगा और वो मुझे नहीं छोड़ेगा, अब वो देख लिया किसी की कमेटी निकली है किसी के ये वो मुझे पता चल देता, मैं पैगाम भेजता आधे पैसे मेरे मुझे दे दो भाई, ज़रूरत है मुझे चाहिए बस, मुझे नहीं पता आपकी क्या है। तो वो लोग आज वो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग कहते हैं कि हाजी साहब आपने ख़त्म आज आपने ही कहना है। ये बहुत दिलचस्प वाक्य है कि पापा को मैंने ख़त लिखा कि पापा मुझे मदीना दिखा दो, ख़त पहुंचा पापा की बारगाह में और पापा ने मुझ पर रहम फरमाया, करम फरमाया और शफकत फरमाई। जो कार्ड होते हैं मदीने शरीफ को एक दूसरे को तोहफा भेजते हैं, कार्ड पापा ने अपने पीछे साइन करके मुझे पोस्ट कर दिया, वो मेरे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने देखा और चूमा। ये इसमें जो हिकमत थी मुझे नहीं मालूम थी उस वक़्त, ये क्या हिकमत है ये कार्ड पापा ने भेज दिया और अपने साइन कर दिए हैं पापा ने। लेकिन चंद ही दिनों के बाद, मुझे याद नहीं कितने दिन, यानी एक माह नहीं हुआ था कि एक माह के अंदर ही अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह पापा की बारगाह में, पीर का मेरा नफली रोज़ा था और मैं बापा की बारगाह में पहुंच चुका अपना बैग लेकर, मदीने शरीफ की मेरी तरकीब किसी ने बना दी थी और मैं वहां पहुंचा और मेरे मुर्शिद लाजपाल ने मेरा रोज़ा ख़ुद अपने मुबारक हाथों से इफ्तार कराया और मैंने अर्ज़ की बापा मैं मदीने शरीफ जा रहा हूं, उम्रे की तरकीब बन गई है मेरी, ये सारा सिलसिला। तो बापा बहुत खुश हुए, खाना खाया और पापा ने मुझे तीन बैग मुझे याद है किताबों के दिए कि यहाँ मदीने शरीफ में बापू मियाँ मोहम्मद बख्श इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह वो जन्नतुल बकी में आराम फरमा हैं, वहाँ वो हैं, उनको ये देने। बात असल में ये है कि ये इतना कीमती माहौल है, इतना कीमती माहौल है, अगर दावत इस्लामी ना होती मैं भी शायद इस दुनिया में ना होता। इस ये गुज़रे दौर में मैं एक बहुत गंदा और नाहंजार इंसान था जिसको मेरे पापा ने मुझे कबूल फरमा कर मेरी दिल की दुनिया नहीं मेरे सारे मामलात सही कर दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत खुशकिस्मती है आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा हाफ़िज़े कुरान बना, इसी माहौल में बना और मेरे पीर साहब ने मुझ पर इतनी शफकत फरमाई कि मेरे बेटे को उठाकर अपने सीने से लगाकर उस अपने लहाबे दन से उनको गुर्ती दी और कबूल फरमाकर अपना मुरीद किया और इस वक्त वो हाफ़िज़े कुरान बन गया है। हमारे घर का माहौल, हम जितने का पूरा कबीले का कबीला है जो हमारा, सब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तारी हो चुके हैं और मेरी वालदा भी, हमारे बाप भी इस दुनिया रूफानी से रुखसत हो गए हैं, वो भी हजरत साहब के दीवाने थे। हमारे घर वाले, हमारे सारे भाई बहनें और हमारी औलाद भी, बिल्कुल जब इस माहौल में मैं नहीं था
तो उनको भी इस माहौल का कुछ नहीं पता था, सब लोग हम बेनमाजी थे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस माहौल के आने की ही वजह से हमारा सारा कबीला अल्हम्दुलिल्लाह मदनी माहौल में आ चुका है। और एक बहुत बड़ी मदनी बहार है कि ये मदनी चैनल की ही वजह से मेरे घर वाले ज़्यादा अक्सर ये मदनी माहौल मदनी चैनल की ही वजह से घर वाले मदनी चैनल देखते मज़ीद उनमें जो कमी पेशी थी वो दूर हो गई है। इनका ये सिलसिला देखकर, इनकी पुरानी ज़िंदगी के वाकयात देखकर, इनके मामलात देखकर के जो ने ज़िंदगी गुजारी है, हमें अगर ये अपनी ज़िंदगी को तब्दील कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं तब्दील कर सकते। अगर ये गुनाह छोड़ सकते हैं, ये बदमाशियाँ छोड़ सकते हैं, अगर ऐसा नौजवान जो कल तक का बदमाश था अगर आज मुबल्लिग दावत इस्लामी बन सकता है, अगर आज उसकी आंखों में शर्म हया आ सकती है, खौफे खुदा का पैकर बन सकता है, अपनी औलाद को सलात व सुन्नत के रस्ते पर लगा सकता है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते। मेरे मुर्शिद का इतना करम है मुझ पर, गुनाहगार पर, कि मैं गुनाहगार कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि मैं किसी को मतलब कि नेकी की दावत दूंगा या सदाए मदीना लगाऊंगा या किसी को नमाज की दावत दूंगा या काफ़िले में खुद आऊंगा या किसी को लेकर जाऊंगा। ये सब मेरे मुर्शिद का फैज़ है, मेरे मुर्शिद की नज़र करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं रुकने कबीना की हैसियत से खदामुल मसाजिद के शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा हूँ। ये सब मेरे मुर्शिद का फैज़ है और ये दावत इस्लामी की कोशिशें हैं, इन इस्लामी भाइयों की इनफरादी कोशिश की ही वजह से मेरे जैसा एक गुनाहगार बदकार सियाकार नाहंजार इस माहौल में आ जाने से ही मैं समझता हूँ कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती है। मैं आज के नौजवानों को ये दावत फ़िक्र देता हूँ कि आप अपने आखरत के लिए और बिल्कुल ये जो आपने बेनमाजी लोग हैं या जो बदमाशी करते हैं, जो बत्ता वसूल करते हैं, जो लोग जिन्होंने इस निज़ाम को धर्म भरम किया हुआ है, जालिम बन चुके हैं और मुस्लिम की आहें ले रहे हैं, मैं इनसे मेरी मदनी इल्तिजा है ये सब लोग दावत इस्लामी में दाखिल होकर अपनी आखरत की फ़िक्र करें ताकि ये जो लोग इस वक्त इस मुल्क में और जो लोग ये जुल्म कर रहे हैं और लोगों की इज्जतों से खेल रहे हैं ये देख लें ये ज़िंदगी बेहद मुख्तसर है, हम अनकरीब इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो जाएंगे तो फिर हमें सुभान अल्लाह कहने की भी इजाज़त नहीं मिलेगी। ये बहुत बेहद खुशकिस्मती है कि इस माहौल में आकर आप भी अपनी आखरत बना लें। कमोबेश 12 साल की उम्र थी जब मेरे वालिद साहब का रज़ाए इलाही से इंतकाल हो चुका था। सिलसिला यही था कि जिस तरीके से बचपन के अंदर खेल कूद वाली ज़िंदगी थी, लाइफ थी, लेकिन घर की तरफ से किसी किस्म की कोई रुकावट किसी मामले में नहीं की जाती थी, तो जैसा मुख्तलिफ गेम्स वगैरह खेलना, मुख्तलिफ जगहों पर जाना, तफरी गाहों का शौक़, ये सिलसिला चलता रहा। आगे बढ़ते बढ़ते बाज़ ऐसे शोबे भी मकसद सिलसिला रहा कि एक सिलसिला शुरू किया। जब शुरू किया तो उस वक्त भी मकसद यही था कि बस आगे बढ़ना है, कुछ करना है। तो कमोबेश 3 माह मैंने सीखने का सिलसिला रखा, 3 माह के अंदर जो सरगम वगैरह का सिलसिला रहा, उसके बाद एक क्लब के अंदर मकसद ज्वाइंट किया, उसके बाद मज़ीद दोस्त यार बढ़ते गए तो जहन बना कि अपना क्लब खोलें हम और अपना सिलसिला बनाएं, तो उस तरीके से अपना क्लब दोस्तों के साथ मिलकर खोलने का रहा। बहर वो मुख्तलिफ स्टेज प्रोग्राम वगैरह में जाना हुआ, इस तरीके से मुख्तलिफ शादी ब्याह के तकरीबात में गाने गाने के मामलात रहे और ऐसा बस दिल चाहता था कि बस ये गुलूकारी करते रहें और यही मामलात करते रहें, इसके बगैर मकसद दिल नहीं चाहता था और दिल उसी में लगा रहता था। इसी के साथ साथ मकसद ये इतना जुनून था इस फील्ड के अंदर कि बाज़ अगर मौसम का कैसा भी हाल हो, हालात कैसे भी हों, बारिश हो रही हो, दीगर मामलात हो रहे हों, लेकिन हम मकसद ये कि एक बस जहन था कि बस कुछ करना है और क्लब जाना है, हर तरह से पहुंचना है। बड़ी तेज़ी के साथ मैं एक जगह से गुज़र रहा था तो एक इस्लामी भाई जिन्होंने मेरे ऊपर इंफादी कोशिश की, उन्होंने मुझे पहली मर्तबा रोका और रोकने के बाद उन्होंने मुझसे कहा कि सलाम दुआ की, जिस तरीके से अक्सर इस्लामी भाई करीब आ जाते हैं, सलाम दुआ कर लेते हैं, मुस्कुराहट थी उनके चेहरे पर, मुस्कुराते हुए उन्होंने सलाम दुआ की मेरे से और मेरा नाम पूछा। जब मैंने अपना नाम बताया उसके बाद पूछा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने इनसे बताया कि मैं
इस वक्त तो मकसद जो है ना वो मेरा टाइम जो है मैं जा रहा हूँ थोड़ा जल्दी में हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे हैं आप? तो मैंने इनको बताया कि मेरा ताल्लुक मैं म्यूजिकल फील्ड में क्लब के अंदर जाता हूँ और इस टाइम मेरी टाइमिंग है, मेरा जाने का वक्त है। तो ये थोड़ा सा चौंके कि कौन से क्लब जाते हैं। तो मैंने बताया म्यूजिकल फील्ड के अंदर हूँ। तो उन्होंने बज़ाहिर उस टाइम कोई ऐसी बात नहीं की और सलाम दुआ की और बालिगान के मदरसे के लिए मुझे दावत दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे करीबी मस्जिद के अंदर बालिगान का मदरसा लगता है, तो आप भी कुछ वक्त निकाल कर आएँ। तो बहरहाल वो जहन था पहले ही से कि कुरान पाक तो पढ़ना चाहिए और पढ़ना भी हमें। तो मैंने इनसे कह दिया कि मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल कोशिश करूँगा कि आऊँगा मैं आपके पास, फिल वक्त मेरे पास वक्त नहीं है, मैं अभी जा रहा हूँ आप। तो इस तरीके से मैं उनसे पहली मुलाकात में तो मैं निकल चुका था। अब निकलने के बाद जब दूसरी दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने फिर काफ़ी देर मुझे रोका और जहन बनाया कि आप मदरसे में आए, कुरान पाक पढ़ें। इस तरीके से दो या तीन मुलाकात के बाद मैंने मकसद ये कि बालिगान के मदरसे के लिए ये जहन बनाया कि जिस वक्त मैं क्लब जा रहा हूँ कुछ देर पहले, मकसद ये कि 9:30 का जो टाइम है उस वक्त मैं 15-20 मिनट के लिए, इन्होंने मुझे मेरा जहन बनाया कि मदरसे में आ जाए करें। अब ये जहन बना तो यकीनन एक मोहब्बत के साथ बार बार मिलने वाला इस्लाम भाई, तो उससे जहन बना और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बालिगान के मदरसे में पढ़ने का सिलसिला शुरू किया। और उन्होंने मकसद ये कि बालिगान के मदरसे के साथ साथ मुझे दीगर चीज़ों का भी जहन दिया, नमाज दुरुस्त करने का जहन दिया, कुरान पाक के साथ साथ नमाज के शराइत, नमाज के फ़राइज, वाजिबात, दीगर मामलात भी बताने का जहन दिया। और सबसे मेन इसमें जो किरदार रहा, जो बात मकसद ये कि अहम तरीन इसमें बात जो मुझे नज़र आई और मेरी वाबस्तगी का जो सबक बना, वो इनकी इंफादी कोशिश में सबसे मेन जो बुनियादी बात ये थी कि इन्होंने रोज़ाना कुछ ना कुछ अमीर अल सुन्नत के बयानात मुझे सुनने के लिए देते थे। उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बापा के जो बयानात, उस वक्त जो कैसेट आई थी जैसा कि कब्र की पहली रात, तो ये इन्होंने बालिगान के मदरसे में हमारे वहाँ के जो मस्जिद के इस्लामी भाई थे इन्होंने ये तरकीब बनाई हुई थी कि पुरानी कैसेटों पर नाम लिखे गए थे और हर इस्लामी भाई को सुनने के लिए रोज़ाना एक कैसेट दी जाती थी। अब मुझे इन्होंने एक कैसेट दी कि आप ये फ़लाँ कैसेट है, इसमें अमीर अल सुन्नत का बयान है, आप सुनिएगा और सुनने के बाद मुझे वापसी दे दें। अब उस टाइम जहन नहीं था सुनने का, कैसेट वगैरह तो उस टाइम तो मदनी चैनल भी नहीं होता था, तो कैसेट के ज़रिए फिर उन्होंने कैसेट दी। मैंने उस रात नहीं सुनी, दूसरे दिन मैंने वापसी देने का जहन दिया, मैंने ये कैसेट आप रख लें। तो इन्होंने बताया कि आपने कैसेट सुनी है, मैंने कहा मैंने सुनी नहीं है अभी। तो बोला नहीं, आप पहले कैसेट सुने, सुनने के बाद मुझे दीजिएगा। मैं वापसी घर ले गया कैसेट, मैंने बयान सुना, तो बयान यकीनन बापा का बयान माशाल्लाह, अमीर अहले सुन्नत ने जो बयानात, जो रिक्कत है, जो तासीर है, उसने दिल पर असर किया। अब बयानात की बरकत से दिल के अंदर वो खौफ खुदा पैदा हुआ, गुनाहों की जो नौसत थी वो ख़त्म होना शुरू हुई और जहन बनता गया कि हम बहुत गफलत में गुजर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी इंफादी कोशिश से आज मैं इस मदनी माहौल से वाबस्ता रहा और मुझे भी ये सआदत हासिल हुई कि अमीर सुन्नत के साथ सहरीज करने का मौका मिला। नीचे कमरे के अंदर जब लेकर गए और बापा के साथ पहली दफ़ा करीब बैठकर सहरी का ये मौका मिला, सहरी की सआदत हासिल हुई, तो पहली दफ़ा मैंने देखा कि मिट्टी के बर्तन में खाना। और ये मनाजिर जब मैंने देखे तो मुझे मकसद हैरत भी हो रही थी और एक तो खौफ भी बहुत ज़्यादा था करीब जाते हुए, डर भी लग रहा था और एक समझ लें कि एक मज़ा भी आ ही रहा था। तो जैसे ही बापा की सोहबत मिली, साथ कुछ ना कुछ तबरुक मिला खाने के लिए, और ये देखने में आया कि कई इस्लामी वो तबरुक के पीछे लगे हुए थे कि मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, तो मैंने सोचा मुझे भी कुछ मिल जाए। तो बापा के हाथों से तबरुक खाने की भी सआदत हासिल हुई। अब उस वक्त चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं थी, हमारे इस्लामी इंफादी कोशिश तो करते गए लेकिन जहन देते गए, जहन देते गए। तो इन्होंने यही जहन बनाया था कि जब बापा की बारगाह में जाएंगे तो ये तोहफ़ा बापा के हाथों से इनको दिलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुशनसीबी थी कि अमीर अहले सुन्नत के सदके मैंने ये दाढ़ी शरीफ की नियत अमीर सुन्नत के हाथों से की। और बापा की बारगाह से जब वापसी हुई तो माशाल्लाह हमारे पूरे इलाके वाले और काफ़ी खुश थे कि यार ये माशाल्लाह सुन्नत इन्होंने सजा ली। इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो इसी माहौल ने अदना को आला कर दिया, देखो। ऐसा हीरा दावत इस्लामी ने कहाँ से लिया, कैसे लिया,
कैसे तराशा कि जब आप मदनी माहौल से मुंसलिक नहीं थे, उस वक्त क्या मतलब आपके अंदाज थे, क्या अतवार थे, कौन कौन सी मसाजिदों में नमाज पढ़ते थे, घर की क्या कंडीशन थी, पोजीशन थी, तो मतलब ये कहाँ से मिला बीज ये दावत इस्लामी को जो आज तनावर दरख्त की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह फल दे रहा है। 81-82 में वाबस्तगी हुई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। उस वक्त मैट्रिक में था मैं खालिबन, मगर वालिद साहब हमारे मजहबी थे और मजहब पसंद थे, नमाजी थे। अच्छा। नमाज पर सख्ती भी करते थे। अच्छा। लेकिन बाहर का स्कूल का मोहल्ले का माहौल जैसा होता है तो आदमी उसमें ढल जाता, तो हम सुबह शाम जो बस वो क्रिकेट खेलने में गुजरते। ऐसा आप और क्रिकेट खेलते थे? जी, और स्कूल लाइफ में भी क्रिकेट खेलते रहे, कॉलेज में भी क्रिकेट खेलते रहे, और मेरी पैदाइश नवाबशाह में हुई थी। अच्छा जी। 1965 में मेरी विलादत हुई थी, वहाँ शायद ही कोई मैदान हो जहाँ हमने मैच ना खेला हो। अच्छा। सारा दिन बस ये काम करते थे। कॉलेज की क्रिकेट टीम का कप्तान भी मुझे बनाया गया था। अच्छा। शहर बाय शहर भी जाते थे हम। ओहो हो हो। कभी सक्खर, हैदराबाद, ठट्ठा, सकरण, मोरो, मुख्तलिफ शहरों में क्रिकेट खेलने के लिए। क्रिकेट खेलने गए आप? जी। आज सुनने तो भरा बयान करने जाते हैं। अल्लाह अल्लाह माशाल्लाह। जिंदगी क्रिकेट में गुजर रही थी और जुनून ऐसा था कि उस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम के जितने प्लेयर्स हैं ना, जी जी, उन सब के नाम, उनके रिकॉर्ड, उनके वो रन्स, अच्छा, उनके कैचेस, उनकी सेंचुरीज, उनकी फिफ्टीज, वो सब मुझे हिफ्ज थे। मतलब इंसाइक्लोपीडिया बने हुए थे आप? वो एल्बम बनाना और अच्छा। वो सारा दिन वो मैच देखते रहना टीवी के सामने, और जैसे वो कोई खिलाड़ी आउट हुआ, छक्का लगाए तो तकिए फेंकते, और यूँ अजीब सा वो बस वो माहौल था। अच्छा 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 अच्छा। तो फिर आई साहब ये मतलब आज हम आपको किसी और ही रूप में देख रहे हैं, तो वो क्या नुक्ता आगाज था, क्या हुआ था कि जो है वो पहला जो दावत इस्लामी से वासिता नाता इस्तेवार हुआ, उसकी क्या नौयत थी, कब हुआ, कैसे हुआ? मलंग मस्जिद। जी जी। उसमें एक काफिला आया था। अच्छा। मेरे क्लास फेलो ने मुझे माइल किया, दावत दी कि वो गालिबन इसी तरह कुछ कहा कि वो दावत इस्लामी वाले आए हुए। मजहबी लोगों से इतना वो था नहीं। अच्छा, बिल्कुल। मतलब दावत इस्लामी से तारुफ था आपका? नहीं, दावत इस्लामी से तारुफ नहीं था, और दावत इस्लामी का आगाज भी था उस वक्त। ठीक है। और वो लोग बिलखसूस जो नातें पढ़ते हैं या रसूलुल्लाह पुकारते हैं, उनकी तरफ भी रगबत नहीं थी। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। अकायद की पुख्तगी भी नहीं थी। अच्छा। मुझे जब क्लास फेलो ने दावत दी, जी जी, तो मैंने, यार ये अच्छे लोग नहीं, मैं नहीं जाता यहाँ। अल्लाह अकबर। ओहो हो। नहीं, आप जाएं तो सही। नमाज पढ़ने गया तो वो मस्जिद के ऐन मस्जिद में हॉल में जिक्र हो रहा था, और लाइटें बंद करके और दुआ, और वो जैसे दावत इस्लामी मदनी माहौल में सिलसिला होता है अल्हम्दुलिल्लाह, रिकअत इस दुआ का, मगर मैं नमाज पढ़ कर आगे बैठा नहीं मैं। अच्छा। अब फिर जब काफिला दोबारा आया हमारे शहर में, जी जी, वो वाली गालिबन हमारे वो क्लास फेलो थे, उनके बड़े भाई जो ना, वो हमें लेकर घेर कर ले गए, जैसे नौजवानों को ले जाते हैं इस्लामी फादी, कोशिश करके हम भी चले गए। वल्लीग दावत इस्लामी ने मौत के मौजू पर बयान किया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। और वो पहली मरतबा ऐसा बयान सुना तो वाकई डर लगा। अच्छा। मतलब अपनी मौत पेश नजर? जी बिल्कुल। अल्लाह अकबर। और फिर जब दुआ का सिलसिला हुआ तो उसमें तो बहुत मज़ा आया। अच्छा। वो मुझे मुबल्लिग भी याद है और उनके दुआ का अंदाज भी याद है, बल्कि उन्होंने दुआ जो शुरू की वो भी मुझे शेर याद है। बल्कि मुझे आई साहब वो यानी कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन से, चेहरे के तासुरा से ये लग रहा है शायद कि आपको वो मंजर अभी भी याद आ रहा है। बिल्कुल याद आ रहा है मेरे जहन में। अच्छा। छोटी सी मस्जिद, उसके हॉल में थे इस्लामी भाई, जी जी, बहुत ज़्यादा तादाद नहीं थी, अंदाजा 50-60 इस्लामी भाई होंगे। ठीक है।
तो उन्होंने दुआ शुरू की, खल के रोंदे हुए दुनिया के पढ़े ना, ऐसा पढ़े पढ़े ना कैसे आए हैं यार अब तेरे दर पे हाथ फैलाए हुए, इसी तरह पढ़ा था उन्होंने ना। अच्छा, और बस पता नहीं क्या हो गया, वो आंसुओं का धारा बह निकला ना जैसे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो दुआ खत्म हुई तो मेरा सारा जो कुर्ता था उस वक्त, वो कमीज, यानी कुर्ता कमीज है तो हम माए नहीं जी जी। मगर वो दूसरे वो कॉलर और वो था रंग बिरंगे कपड़े, तो सारे मेरे कपड़े जो ना वो कमीज का अगला हिस्सा वो आंसुओं से भीग गया। अल्लाह अकबर। बहुत एक वो हल्कापन और बहुत सुकून और इत्मीनान नसीब हुआ, ऐसा सुकून और इत्मीनान मुझे जिंदगी में पहली बार महसूस हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उम्र उस वक्त 16-17 साल की तकरीबन होगी। या रसूलल्लाह कहने वालों के बारे में मुझे मिसगाइड किया गया था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन आपने रूहानियत वहां जाकर और एक वो कैफियत आपने महसूस की। हाँ जी, दिल ने गवाही दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, वाकई अच्छे लोग हैं। अब वो समझिए कि मैं तजब्जुब का शिकार रहा, ठीक है, कंफ्यूज हो गया कि भाई ये क्या करूं, मैं कहां जाऊं। फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमा में आने का सिलसिला शुरू हुआ।